बिहार के बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हथियार के साथ दो अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन अपराधियों ने एक दुकानदार पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। हालांकि विशेष टीम गठित कर पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है और इन दोनों अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस हमारी बलिया पुलिस थाना को सूचना मिला कि होटल चौक पे कुछ अपराधियों द्वारा अंडा दुकान अंकित कुमार के अंडा दुकान के सामने फायरिंग की गई है, जिसमें अंडा दुकानदार बाल बाल बच गया। इस संबंध में हमारी बलिया पुलिस थाना और SHO के नेतृत्व में और एक SIT टीम गठित करते हुए इस केस के उद्भेदन के लिए त्वरित छापेमारी की जा रही थी और आसूचना के आधार पर कल रात्रि में दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक का नाम सचिन कुमार और दूसरे का नाम रंजीत कुमार है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक देसी कट्टा और एक उस घटना में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल को बरामद किया गया और थाना पे ला करके इन लोगों को पूछताछ किया गया, तो इन्होंने पूछताछ में उस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है और बताया कि उस दिन अंडा दुकान के सामने बाइक लगाने को लेकर के दुकानदार के साथ बैठक हुआ था, जिसमें दो लोग पहले से थे और ये लोग गुस्से में आ करके गए और तीसरा आदमी को उस बाइक पर बैठा करके लाए और अंडा दुकानदार पर फायरिंग करते हुए निकल गए, जिसमें अंडा दुकानदार बाल बाल बच गया था। ये दोनों का आपराधिक इतिहास भी है क्या? जिसमें से मेन अभियुक्त है जिसके द्वारा दुकानदार पर फायरिंग की गई थी सचिन कुमार, उसका पहले 2021 में बलिया थाना में और एक औद्योगिक थाना में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। कहाँ का रहने वाले? ये दोनों भगतपुर के रहने वाले हैं। भगतपुर के रहने वाले जी। मैम, 1.5 किलोमीटर का मात्र बाजार है और एक ही पथ है, इसको दोनों साइड से क्यों नहीं, मतलब इसको ये किया जाता है पुलिस के द्वारा घेराबंदी क्यों नहीं रखी जाती है? लगातार लूट की घटनाएं भी होती हैं बलिया में। इस संबंध में हमारी टाइगर मोबाइल जो है हमेशा बाजार में मोबाइल रहती है, साथ ही हमारी दो जो 112 की गाड़ियां हैं उन लोगों का स्टैटिक पॉइंट भी बदल बदल के बाजार में ही उन लोगों को दिखाया गया है, उसके साथ ही हमारी गश्ती भी रहती है। तो ये सभी चारों हमारे टाइगर मोबाइल 112 की गाड़ियां और गश्ती टीम लगातार बाजार के आसपास ही रहती है। इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उस पर हमारी चौकसी रहती है और इस घटना का भी 4 दिन के अंदर ही सफल उद्भेदन किया गया है, इसके लिए हमारे पूरी पुलिस टीम बलिया थाना बधाई के पात्र है। आवेदक कौन रहे इस शिकायत को लेकर? इस केस के जिन पे गोली चलाई गई अंकित कुमार रहा है, अंडा दुकानदार। अंडा दुकानदार। वहीं इस पूरे खबर पर बेगूसराय से हमारे सहयोगी दिनेश चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां हथियार के साथ पुलिस ने दो अपराधी को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी से लेकर? जी, मैं बता दूं कि ये मामला जो है 8 जून की है, जहां दो अपराधियों ने एक अंडा दुकानदार पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके चलते अंडा दुकानदार तो बच गए, लेकिन बहुत ही वहां का माहौल बहुत ही भयभीत था और लोग इस फायरिंग से बहुत ही आक्रोश भी हुए थे, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ये दोनों युवक को, अपराधी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश।